वेलकम टू इग्निट। घर गृहस्थी व बॉडी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नीचे दिया गया रेड बटन दबाकर, ये फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मखाना खीर। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होती है। इसे स्पेशली व्रत में बना के खाया जाता है, पर रूटीन में भी इसे बना के खाना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मखाने, 250 मिलीलीटर मिल्क, यहाँ पर मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है, 8 चम्मच चीनी, 8 से 10 कटे हुए बादाम व 2 इलायची बारीक पिसी हुई। लेट अस स्टार्ट। एक पतीले में हम 250 मिलीलीटर दूध ले लेंगे, ये लगभग 2 कप के बराबर है। इसे उबलने रख देंगे। दूसरी तरफ हम एक मोटे तले की कढ़ाई में मखाने भून लेंगे। मखाने हमें लो फ्लेम पर ही भूनने हैं। बीच बीच में मखानों को हिलाते रहिए। मखाने भूनने में लगभग 6 से 7 मिनट का समय लग जाएगा। बीच में हम दूध को भी संभाल लेंगे। दूध उबलने लगा है, अब हम इसमें 2 बारीक पिसी हुई इलायची डाल देंगे। अब दूध को लो फ्लेम पर करने देंगे जब तक कि हमारे मखाने भून नहीं जाते। मखाने भूनते हुए लगभग 7 मिनट का समय हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। हाथ में लेके इस तरह से क्रश करेंगे और ये एकदम से क्रश हो गया, इसका मतलब है मखाने अच्छे से भुन गए हैं। तो अब हम गैस बंद कर लेंगे। अब हम थोड़े से मखाने छोड़ देंगे और बाकी सब मखानों को उबलते हुए दूध में डाल लेंगे। ये जो थोड़े से मखाने हमने बचा लिए थे, उनको हाथों से हल्का हल्का क्रश कर लें। अब हम इनको भी दूध में डाल देंगे। अब इनको मिक्स कर लेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। मखाने की खीर बनाते समय हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि मखाने और दूध की क्वांटिटी लगभग बराबर ही लेनी है। मैंने यहाँ पर 2 कप मखाने और 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है। मखानों को दूध में पकते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 8 चम्मच चीनी डालेंगे। 8 चम्मच का मतलब है 2 टेबलस्पून चीनी हमने इसमें डाल देनी है। कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। मैं यहाँ बादाम यूज़ कर रही हूँ, आप अपनी चॉइस के ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब हम खीर को 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। 3 मिनट के बाद खीर रेडी हो गई है। हम गैस बंद कर देंगे और ठंडा होने पर खीर को सर्व करेंगे। खीर को ड्राई फ्रूट से गार्निश करके सर्व करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।